अमृता जी, कभी कभी मुझे लगता है कि बड़े भाई होने का ना फर्ज निभा ही नहीं पाया मैं ठीक से। अमृता जी, हमें ना कभी कभी दूसरों की छोटी छोटी हरकतों पे पर्दा डालना ही नहीं चाहिए। उनको सजा होने से बचाना, इनडायरेक्टली उन्हें उन्हें बढ़ावा देना है उनकी गलतियों के लिए। और यही हुआ विराट के साथ में। देखिए क्या हाल हो गया उसको, किसी की बात सुनता ही नहीं है, गलत सही का कुछ पता ही नहीं है उसे। उसे लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इनफैक्ट उसकी फैमिली तक उसका कुछ नहीं कर सकती। और आप तो फिर भी उसकी एक्स एम्प्लॉय हो जो एक लड़की हो। आपको लगता है मैं लड़की हूँ इसलिए उन्हें जवाब नहीं दे सकती? आप अभी आए इसलिए आपको पता नहीं है कि विराट सिंह मुझे आपको कई बार आईना दिखा चुके हैं। उनके पैसों उनके रुतबे से डर नहीं लगता मुझे। गलत बर्दाश्त करना मुझे बहुत गलत लगता है। तो अब भी तो किया ना आपने, आपको नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने ये मौका छीन लिया आपसे और आप चुप रहे। जिस तरह से मैं चुप रहता हूं, अपनी लाइफ अपनी इमेज सब कुछ दांव पे लगा दी। प्यार करता हूं ना, मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये प्यार मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि आपका दिल साफ है अमृता जी, आपने हमेशा उसका अच्छा किया है लेकिन उसने हमेशा आपको परेशान किया। इनफैक्ट उसको लगता है कि आप जैसे सीधे साधे लोग उसका कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। इस चीज का फायदा उठाता है बस वो। उसे पता है कि हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे एज अ फैमिली। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं होता कि वो आपसे इस तरह बात करते हैं और आप उनके लिए इतना करते हैं। नेचर है मेरा ऐसा, मैं हूं ही ऐसा और आप भी वैसी हैं, मैं जानता हूं। आप उस लेवल तक कभी नहीं जा सकती, ये जानता है वो। और इससे आपको पता क्या होगा, उसकी गलतियों को और बढ़ावा मिल जाएगा। अब देखिए ना उसने क्या किया, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपकी माँ की जान दांव पे लगा दी उसने। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उनको कुछ हो सकता था, वो जल सकती थी। और मैंने तो सुना है उनको डायबिटीज है, पर ऐसे पेशेंट का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये सब, लेकिन अमृता जी प्लीज आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एज अ फ्रेंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। एक बात और अमृता जी, मुझे नहीं पता कि विराट कब सुधरेगा, सुधरेगा भी या नहीं, लेकिन आप थोड़ा बच के रहिए उससे। दूर तो उन्हें रहना चाहिए क्योंकि अगर वो सुधरने वालों में से नहीं है तो मैं भी झुकने वालों में से हूँ। वो मेरे परिवार के साथ गलत करते रहेंगे और मैं सहती रहूंगी, ऐसा तो होगा। ये हिसाब तो पूरा करेंगे, मेरे सामने विराट से मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।